नमस्कार दोस्तों, आज मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपको हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, जो आपको आसान ट्रिक बताएंगे, मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। संभावना बताई जा रही है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 5 गुना है। मान लीजिए बॉय का संख्या 1 है तो गर्ल का संख्या क्या होगा? 5। मान लीजिए बॉय का संख्या 1 है तो गर्ल का संख्या कितना होगा? 5 होगा। अब क्या करेंगे कि रेशियो में है, जैसे 5 गुना बता रहा है। आप मान लीजिए कि लड़कों का संख्या 1 है तो लड़की का संख्या 5 होगा, अगर लड़कों की संख्या 2 हुआ तो लड़कियों की संख्या 10 होगा, यानी उससे 5 गुना होगा। तो क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि 6 से जो डिवाइड हो जाएगा वो कक्षा की संख्या हो सकती है। जैसे 6 से डिवाइड कीजिए 30 को, 30 को, तो 6 से 30 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 6 से 24 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से 42 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से 35 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यही जो आंसर है 35, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कक्षा की संख्या नहीं हो सकता है, 35 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने गलत किए। कहने का मतलब कि मान लो एक सही सवाल करता है तो 2 गलत कर देता है। यदि उसने 54 सवालों को हल किया तो सही हल किए गए सवालों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है जितना सवाल सही करता है उसका 2 गुना क्या कर देता है? गलत कर देता है। तो टोटल कितने सवाल हल किया? 54 हल किया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सही सवाल कितना हल किया। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कि 1 और 3 के अनुपात में ले लेंगे, 1 और 3 के अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में, 1 और 2, यानी एक गलती करता है, एक सही करता है तो 2 गलत करता है, और टोटल है कितना? 54। टोटल कितना है? 54। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, और 54 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा? 18 जो हो जाएगा, 1 के बदले 18 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो 18 सवाल है, 18 सवाल वो क्या किया? सही किया। 18 सवाल जो है क्या किया? वो सही किया, और 18 गुना 36 गलत किया। जैसे 18 सही किया तो उसके 2 गुना 36, 36 सवाल क्या किया? गलत किया। दोनों को ऐड करने पर आ जाता है 54। इसका एक और रूल है जो आप लोग उस रूल को जानते हैं। देखिए एक और क्या है, सही जो किया उसको x मान लेंगे, और गलत किया, 2 गुना गलत कर रहा है तो 2x, x प्लस 2x इक्वल टू 54, बस उसी तरीका का है। तो 2x और x, 3x, 3x इक्वल टू 54, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 54 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18। कहने का मतलब है कि जो 18 यहाँ भी आया, जो 18 सवाल सही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इसको हम समझेंगे वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से ऐसे समझेंगे, 40% लोग चाय पीते हैं और इसमें 50% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। ये जो बीच वाला है, जो बीच वाला दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर क्या है, 10% लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 40% लोग चाय पीते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि 10% यहाँ पर चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इसमें 30% और लिख देंगे, तो 30 और 10 40 हो गया। और इसमें देखिए 10 है और 50% कॉफ़ी पीता है, तो 50 और 10 10 और 40 हो गया 50%, यानी
50% ए वाला देखिए सर्किल में 10 और 40 50% कॉफ़ी पीते हैं, इसमें देखिए 30 और 10 40% चाय पीते हैं। अब कह रहा है कि कितने परसेंट लोग हैं जो चाय ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पीते हैं, तो क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे 40 और 10 50 50 और 30 80 सबको ऐड किए 80 आया। अब 80 आया इसको कितना आया 80%। अब इसको क्या करेंगे 100 में से 80 को माइनस कर देंगे 100 माइनस 80 तो हो जाएगा कितना 20, यानी 20% लोग जो है ना ही तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर सी, जो 20% आया वो लोग नहीं चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। इसका और एक ट्रिक है अभी हम बता रहे हैं, देखिए इसका क्या करना है कि सबसे पहले 40 और 50 को क्या करना है ऐड कर देना है, 40 और 50 को ऐड कर देना है तो हो जाएगा 90 और 90 माइनस 10 कर देना है जो कि चाय कॉफ़ी दोनों पीता है, 90 माइनस 10 तो हो गया 80 और 80 हो गया। अब इसको क्या करेंगे पूरा 100 में से 80 को माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन लास्ट रहने वाला है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 100 बिल्लियाँ 100 चूहे को 100 दिनों में मारती है तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी। ये क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 पूछ ही लिए जाते हैं। इसको लोग क्या करते हैं कि 100 बिल्लियाँ 100 चूहे को 100 दिन में मारते हैं, टप सीना लगा देते हैं 4 बिल्ली 4 चूहे को 4 दिन मारेंगे, लेकिन नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसको अभी हम बताते हैं, इसका एक फार्मूला क्या है M1 × D1 / W1 = M2 × D2 / W2। इसको क्या करना है, M1 कहने का मतलब कि M मतलब मैन, आदमी समझो, मैन या बिल्ली जो भी है सब बराबर है, M1 ये हो गया। और कहने का मतलब D1 मतलब दिन, ये हो गया 100 दिन D1। और W1 मतलब काम, कितना काम किया तो 100 चीहों को मारा तो W1 ये हो गया। सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा M2 ये हो जाएगा, D2 फाइंड करना है और ये हो जाएगा आपको W2 चार हो जाएगा W2। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इसको बैठा देंगे बस निकल जाएगा को कितने दिन में 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगे। तो क्या करना है कि M1 यानी 100 × W1 ये है 100 = M2 यहाँ 4 ए वाला 4 इंटू D2 निकालना है W2 ये वाला 4 यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 से 4 कैंसिल 100 से 100 कैंसिल D = 100 यहाँ पर देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 100 दिन। कहने का मतलब कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 100 दिन में मारेगा, इसका ये नियम है। लोग मार देते हैं गलत, 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मारेंगे तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगे, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन ए वाला, ठीक है। तो इसी तरह हमारे चैनल को बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।